पंजाब की हैं रहे मुझे ये मंजूर नहीं है नवाज शरीफ साहब करेगा तुम्हें कुछ पता नहीं वेलकम बैक आप देख रहे हैं सियासत मना है हमारे मेहमान है रऊफ हसन साहब वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई सीनियर एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर ब्रेक से पहले मैंने पहले तो शक किया था आपकी सियासी जो नज़रिया है वो आपकी पार्टी का बिलखसूस इमरान खान साहब का क्योंकि मुझे आपकी पार्टी में आपके जैसे लोग नजर आते हैं जिनके लिखने को पढ़ने मतलब जिन आपकी जो लिखत है उसको पढ़ने पे एक लिबरल रोशन ख्याल एक एक ब्रॉड माइंडेड थाट प्रोसेस सामने आता है और इमरान खान साहब की फिर कुछ बातें सामने आती हैं जिससे लगता है कि नहीं इट इज़ अ कंजर्वेटिव वोट बैंक इट इज़ प्रोसेसिंग ए कंजर्वेटिव वोट सर तो फिर आपकी पार्टी के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ आप अचीव कर सकते हैं क्या उसके अंदर फिर मजहबी जमातें शामिल हैं कि जो हार्ड कोर मौलाना हैं वमात इस्लामी को वोट दें जो सॉफ्ट कोर है वो इमरान खान को वोट दे दें क्या ये आपका थाट प्रोसेस है नहीं ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं है जी देखिए पीटीआई का जो एजेंडा है वो दैट इज ऑफ लिबरल एन पाकिस्तान ये कोई रोशन ख्याल हो, नहीं है, बराबरी, के रोशन ख्याल हो, हो बराबरी के ऊपर हो और पाकिस्तान सबके सब लिए हो ठीक सही सबके लिए हो जी ठीक है जी और हम हमारी कोई पार्टी फैनेटिकल पार्टी नहीं है हम किसी एक्सट्रीमिस्ट को बिलोंग नहीं करते ना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं नाम उसको प्रैक्टिस करते हैं सो फ्रैंकली दर इज ए डिस्टिंगशन जो कि आप कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ राइट right के साथ मतलब राइट ऑफ सेंटर पार्टीज़ के साथ ही सिर्फ हमारा कोलेशन हो सकता है वो नहीं हो सकता आल गो बैक टू जो कि आपने कहा पहले खान साहब खान साहब जब इस बात का जवाब देते हैं सवाल का जवाब देते हैं तो वो आई थिंक बिल्कुल ठीक देते हैं कि इस ये मुल्क जो है इसकी जो इस वक्त हालत हो चुकी हुई है वो हम उस नहज से गुजर चुके हुए हैं जहाँ कि आप लेफ़्ट ऑफ सेंटर एंड राइट ऑफ सेंटर की बेसिस के ऊपर ये डिसाइड करेंगे कि किसके साथ काम करना और किसके साथ काम नहीं करना बेसिकली अब इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी के लिए फैसला करने की सिर्फ एक ही याद स्टिक रह गई है वो ये जी कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है एंड अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में 95 परसेंट ठीक नहीं है शायद 5 परसेंट हो जो कि ठीक हो और हम उसी पाथ को ट्रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तमाम फोर्सेस को अपने साथ मिलाएं उन तमाम लोगों को अपने साथ मिलाएं जो कि इस इस पाकिस्तान में यकीन रखते हैं इस पाकिस्तान की भलाई में यकीन रखते हैं इसकी तरक्की में यकीन रखते हैं इसके आवाम की भलाई और तरक्की में यकीन रखते हैं बेसिकली ये पीटीआई का एजेंडा है देखिए जब कारवां चलता है तो उसमें लोग शामिल होते जाते हैं तो एक जब एक एक जब है है जो पीटीआई का मोमेंटम बिल्ड होया हुआ है उसमें लोग आते जाएंगे हम उनको ये नहीं कहेंगे जी कि ये लोग राइट से बिलोंग करते हैं हम इनको नहीं लेंगे या ये लेफ्ट को बिलोंग करते हैं हम इनको नहीं लेंगे हम अगर उनको रिजेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ इस बेसिस पर रिजेक्ट करेंगे कि ये लोग रहे हुए ये लोग इस को लूटने में हिस्सेदार रहे हुए और और इन लो, और इन लोग लोगों ने इस की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया हुआ बेसिकली ये एजेंडा है और यकीन जानिए कि यही वो एजेंडा है जो कि पाकिस्तान को एक उस मकाम तक ले मार्ज वजूद में आया था आ, तो ये राइट और लेफ्ट की राइट और सेंटर और लेफ्ट ऑफ और सेंटर की डिविजन को इट्स नॉट रेलेवेंट टू यू इट इज वेरी रेलेवेंट टू मी बट चले अगर नहीं रेलेवेंट है या आपकी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर आपकी नजर में मैंने अपना ये बता दिया कि हमारा साथ साथ पार्टी आरे, आरे, का जो एजेंडा है वो बिल्कुल क्लियर जी, है जी ठीक आपकी पार्टी के ख्याल में कॉम्प्रोमाइज़ क्या आसानी से रीच हो सकता है मज़हबी जमातों से और क्या आप समझते हैं ये मज़हबी जमातों में भी जो लोग हैं जो इस्लाम के जन्नत के और जन्नत के दरवाजे के ठेकेदार हैं और जिन्होंने सियासत इस बात पर की है जिन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी उनकी हिस्ट्री है वो सामने हैं ज़या उल्ह का साथ दिया तो जया उलक के साथ ही जन्नत जाते थे और आज अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं तो बस अब अमेरिका के खिलाफ जो हैं वह जन्नत जाते हैं आप क्या इस नज़रिए को एक करप्ट मॉरली करप्ट थाट प्रोसेस नहीं समझते या आप समझते हैं कि ये फिर भी नवाज शरीफ साहब एंड को से बेहतर है देखिए जी इस इसके यू नो इसकी मॉरल करप्शन के एस्पेक्ट के ऊपर कमेंट करना आई थिंक मुनासब नहीं होगा बेसिकली देखिए जी हम हम हमारी जो याद स्टिक्स हैं वो बड़ी सिंपल हैं कि अगर वो लोग जो कि हमारी पिच के ऊपर आके हमारे साथ मिलना चाहते हैं इस मुल्क की भलाई और इस मुल्क की बेहतरी के लिए तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं बिल्कुल ये जो है जन्नत के जो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं ये जो जैसा कि आप कह रहे हैं फ्रेंकली उसमें हम यकीन नहीं रखते हमारे अमाल हैं जो कि हमारे हमें हमारे अंजाम तक लेके जाएंगे कि हमें वहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा तो हम हम और जो पीटीआई के जो एजेंडा है पीटीआई की जो सियासत है वो बेसिकली अच्छे आमाल की सियासत है नहीं वो ठीक है सर मेरा दिद्द सवाल दिद्द ये है कि आप मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ मिलके उनके बिलीवर बन जाएंगे और आप उनसे जन्नत का टिकट लेने की कोशिश करेंगे मेरा सवाल ये है कि आप इस तरह की सियासत करने वाले लोगों को आप समझते हैं कि उनके साथ कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं क्योंकि बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स के उन्होंने नहीं किए हैं मतलब ये जो जमात इस्लामी है और फजल रहमान साहब हैं खैर उन्होंने तो काफ़ी बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में इम्प्लिसट हैं लेकिन इन लोगों को आप समझते हैं कि ये 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 नस्बता नवाज शरीफ को जरदारी साहब को से बेहतर हैं आप लोगों के नज़र में इनके साथ

और ये कहते हैं जी चौंसठ साल से ये नहीं जीते कभी नहीं जीतेंगे और दूसरे सास में आप कहते हैं जी चौंसठ साल से हमने कुछ नहीं किया हम सब कुछ कर देंगे सर फिर कुछ भी हो सकता है ना मतलब अगर वाकई में द ऑफ चेंज आर कमिंग तो जिस तरह आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे एकदम से हालांकि आपकी सियासत पंद्रह साल में कहीं इधर उधर ज़्यादा नहीं गई इसी तरह ये मजहबी जमातों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं और इनको भी तकवीत मिल सकती है इनको आप उतनी उतना ही रेडिक्यूल कर सकते हैं जितना आपको और लोग रेडिक्यूल कर रहे हैं देखिए फिर वही वापस उसके ऊपर जाते हैं कि अगर ये पार्टीज या कोई भी और पार्टी जो है वो पाकिस्तान के पाकिस्तान की भलाई के एजेंटे के ऊपर हमारे साथ आकर उनके के काम करने को तैयार है हमारी विकेट के ऊपर हमारी टर्फ के ऊपर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर तो उसके उसको कंसिडर किया जा सकता है इन द लॉन्ग रन बट जो इस बात का जो ज़्यादा बेहतर जवाब होगा वो ये होगा कि हम क्यों ये बिलीव करते हैं कि जी हालात बदले हैं पीटीआई के लिए वो उसकी दो वजूहत हैं नंबर एक कि हमारे पास एक क्रेडिबल एजेंडा है इस मुल्क की प्रोग्रेस के लिए और नंबर दो जिस तरीके से पीटीआई की जो पीटीआई की यू नो पीटीआई में जो लोग आए हैं जिस तेज़ी के साथ आए हैं और आ रहे हैं वी बिलीव दैट दैट पार्टी इज़ एक्सपेंडिंग फिनमिनली एंड आई थिंक कि हम इस 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 पोजीशन में आ जाएंगे बहुत जल्दी कि हम सिंगल हैंडली इन शाली इस मुल्क में एक क्रेडिबल चेंज वो ला सकेंगे लेकिन उन फोर्सेस को जो कि हमारे एजेंडा के साथ एग्री करते हैं वो फोर्सेस जो हमारी स्ट्रेटजी के साथ एग्री करती हैं और वो फोर्सेस जो कि हमारी कमिटमेंट के साथ एग्री करते हैं इस मुल्क की भलाई के लिए उनके साथ काम करने के बारे में हमेशा सोचा जा सकता है आप किसी अच्छी पार्टी या किसी अच्छे ग्रुप को परमानेंटली बाहर नहीं रख सकते हैं तो आपके खेल में अच्छी पार्टीज पार्टी हैं जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो अच्छी पार्टीज़ हैं मैं उन किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा जी ये उनके आप आप तो तो काफी बुरा कहते हैं सर जद्दारी साहब को भी काफी बुरा कहते हैं तो बचे तो फिर एमकेएम एंड जमात एंड द जमाती पार्टीज आपकी रिलीजियस पार्टी की पार्टी देखिए सर ये ये अहम मेरे लिए इसलिए है इसलिए इमरान खान साहब एक एक सेंटर सेंट्रिस्ट या सेंटर राइटर्स को काफी कन्विंसिंगली कंफ्यूज करके अपने पास ला सकते हैं ठीक लेकिन या उनको सही राइटली सो अपने पास ला सकते हैं लेकिन फिर उस आदमी का हक होता है कि उसे पता हो कि जी ये ये सेंटर राइट पार्टी है क्योंकि ये एक्सट्रीम राइट एक्स्ट्रीम रे इनको इतना बुरा नहीं समझती और समझना भी नहीं चाहिए शायद और इनके साथ वो इतहाद भी करेगी क्योंकि वो इतने बुरे नहीं हैं और उनके बारे में अभी कुछ कहेगी नहीं मतलब एक क्लोजिट एक क्लोजिट इस्लमिस्ट थाट प्रोसेस के बारे में कहा जाता है आप अग्री करते हैं कि आपके लिए आप लोग जो हैं वो राइट विंग के साथ ज़्यादा जल्दी आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है वो मिल सकता है बनस्बत इस वक्त के लेफ्ट विंग से देखिए ये जो परसेप्शन क्रिएट हुई है इमरान खान <coughs> और पीटीआई के बारे में ये इस वजह से क्रिएट हुई है कि पीटीआई ने जो स्टैंड लिया है वॉर एंड टेरर के बारे में जो कि कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है पिछले सात आठ साल से हमारा स्टैंड ये रहा है कि सिर्फ लड़ के इस मैनस को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आपको आ, यू नो एक लंबी स्ट्रैटी है जो कि अगर आप कहते हैं तो मैं उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ लेकिन एक लंबी बात है बेसिकली उसकी वजह से एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि शायद हम राइट ऑफ सेंटर पार्टीज़ के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं ये परसेप्शन ठीक शायद ना हो इसलिए कि जी आई थिंक हमारे एजेंडा में और उनके एजेंडा में बा, बा, क्रेडिबल फर्क है बिल्कुल फर्क मौजूद है लेकिन मैं मैं, मैं मैं पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जरूर किए जा सकते हैं अगर उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो मुल्क की भलाई हो और मुल्क के लिए काम आ, करने के पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी के साथ अगली हुकूमत करने को तैयार है देखिए आप इस इस बात इस, इस इसके लिए मैं आ, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के बारे में जो उसने जब कराची की सिचुएशन के ऊपर नोटिस लिया तो so उन्होंने जमात इस्लामी के अंदर टेररिस्ट विंग नहीं नहीं ढूंढा मिला उन्हें देखिए मसला यह है कि जी आप उन्होंने प्रैक्टिकली सर पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इस वक्त कराची में ऑपरेट कर रही हैं उनके बारे में कहा है कि इनके अपने आर्म्ड विंग्स हैं और जमात इस्लामी के नहीं विंग्स रखने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और करप्शन करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ पीटीआई की

जल्सा होगा नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा जलसा, जलसा यकीन कर चुके होंगे ये सियासत अब गंदी होने वाली है अब होने वाली है, और अब ये वो वाला दौर शुरू हो गया है कि खान साहब जो हैं वो कहना शुरू हो गए कि ये इमरान खान भी बदअनवानी करते हैं इनके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और अब ये मजीद गंदा होगा और उस तरफ मुझे डायरेक्शन देना चाह नहीं रहा हूँ लेकिन आई कैन गेस एट वे दिस इज़ गंग नवाज शरीफ साहब को टफ़ टाइम देते रहे

इमरान के बारे में जो कह रहा है उसको साबित करें ठीक मेरा ये चैलेंज है सब पोलिटिकल पार्टी इमरान इज ए क्लीन पॉलिटिशियन हैज बिन ए क्लीन पॉलिटिशन इज इन करप्टेबल इज इंटेग्रिटी इज बियॉन्ड डाउट बिल्कुल ठीक तो uh, so ये जो लोग बातें करते हैं फ्रेंकली हवा में बातें कर रहे हैं सही. वो लेके आए बल्कि हम अगर इस किस्म की कोई स्टेटमेंट देगा तो हम यू नो वी विल थिंक ऑफ टेकिंग देम टू 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 कोर्ट्स कोर्ट्स ऑफ ऑफ लॉ आल्सो सही ऑलराइट इमरान इमरान के बारे में मेरा ख्याल है कि उसके अपने opponents और अपने एडवर्सरीज जो हैं वो भी इस किस्म की बात नहीं करते सही राव साहब थैंक यू वेरी मच ये आप सही कह रहे हैं उनके एडवर्सरीज भी ये कार्ड अब तक प्ले नहीं किया था ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब सही मैंने पहली दफा सुना कि उन्होंने जब कहा कि जी इमरान खान भी करप्ट है अब ये इसकी प्रूफ के बगैर अगर कहा है तो इट इज स्लैंडर इट इज डेफिनेशन थैंक यू वेरी मच सर आपने हमारे साथ दिया थैंक यू वेरी मच शो व्यूअर्स ये, ये शो रैप अप करते हुए मैं नहीं मानता कि इमरान खान साहब सिंपल मेजॉरिटी हमारी नेशनल असेंबली में लेके बैठ के अपना इनकलाब ला के खड़े हो जाएंगे मैं नहीं मानता मैं समझता हूँ कि वो सीट्स काफी सारी शायद ले लें दस बारह ले लें लेकिन इमरान खान एक चालीस साल की उम्र में एक टीम को कैप्टन करते हुए वर्ल्ड कप जिताया था जब भी कोई नहीं मानता था क्रिकेट वॉचिंग पंडित कोई नहीं मानता था कि ये कर पाएंगे एक कैंसर हॉस्पिटल बना लिया था किसी ने नहीं माना था कि वो कर पाएंगे और इस दफ़ा भी एट द एज ऑफ सिक्सटी एट द राइप ओल्ड एज ऑफ सिक्सटी ही स्टिल यंग मैन एट हार्ट और वो यही कुछ दिखा रहे हैं कि कोई मान नहीं रहा कि वो ये वाकई में कर पाएंगे लेट्स इन लाइफ इफ़ ही गेट्स इट हम देखते हैं कि इमरान खान साहब को ये जलसा कैसा होगा जलसे के बाद उनकी सक्सेस के रेशियो किधर जाएगा थैंक यू वेरी मच वॉशिंग